मैं खेसारी का दामाद हूँ, उसकी बच्ची का फोटो लगाते हैं, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो पंकज ने क्या किया, पर्टिकुलरली खास करके एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया और उनकी बच्ची का तस्वीर लगाया। यानी पंकज ने एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया फोटो लगाकर, तो उसपे कार्रवाई होना जायज है। रात भर तुमको नचाएंगे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, यदि उसके साथ उसका फोटो लगाता है तो अपराध की श्रेणी, अपराध की श्रेणी, एक व्यक्ति विशेष का फोटो का हो और उसके बाद अपराध की श्रेणी में रहेगा, अपराध की श्रेणी में। और अपराध यहीं तक नहीं, मुन्नी बदनाम हुई तो क्या मुन्नी के नाम पर गाना नहीं होना, शीला जवान हुई क्या इस नाम पर गाना नहीं। खेसारी की बेटी के ऊपर गाना गाने वाले पंकज सिंह के घर आखिर पुलिस पहुंच ही गई है, FIR हुआ, पुलिस पहुंच गई है, और ये होना ही था क्योंकि जो है किसी का बहन बेटी का नाम लेकर गा देना ये बहुत ही बड़ा अपराध है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो छोटे छोटे कलाकार हैं यही गिरफ्तार होंगे, क्या बड़े कलाकार जो किसी का बहन बेटी के ऊपर नाम ले रखकर गाना गा देते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्या, ये सवाल है। और पंकज सिंह का जो है गिरफ्तार होना जायज है क्योंकि उन्होंने खेसारी की बेटी का नाम लेकर जो है गाना गाया, और ये सच है कि उनका गिरफ्तारी होगा तभी लोग सुधरेंगे। और क्या अब बदलाव होगा इंडस्ट्री में क्योंकि ये FIR हुआ है और पहली बार बताया जा रहा है कि बहन बेटी के ऊपर गाना गाने वाले किसी कलाकार के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं जो पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या सर जो है पंकज के ऊपर तो FIR हो गया लेकिन जो भोजपुरी में और तमाम लोग हैं जो किसी का बहन बेटी का नाम लेकर गाना गा देते हैं क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्या? देखिए इसमें मेरा जो ओपिनियन है आपसे थोड़ा सा अंतर है, आप जनरलाइज कर रहे हैं मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ, दोनों में अंतर समझिए। यदि पंकज पे कार्रवाई हुई है तो पंकज ने क्या किया, पर्टिकुलरली खास करके एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया और उनकी बच्ची का तस्वीर लगाया और उसमें उस तस्वीर के साथ वो इंडिकेट किया, जैसे एक होता है कि जनरल गाली, एक होता है नाम लेकर गाली, तो ये एक प्रकरण है। दूसरा क्या है, एक जनरल, जैसे आप हिंदी पिक्चर में भी देखेंगे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो मुन्नी एक जनरल नाम है लेकिन कोई खास व्यक्ति यदि कोई मुन्नी नाम का व्यक्ति हो और उसकी तस्वीर के साथ यदि उस गाने को लगाया जाए तो वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकली अपराध के श्रेणी में एक को टारगेट किया गया है, नंबर वन। नंबर सेकंड कि FIR प्रशासन के तौर पर, तो प्रशासन के पास शिकायत जाएगी, देखिए हमारे और आपके बीच में एक चर्चा होना, थाना पर जाके रिटर्न रिपोर्ट करवाना और कोर्ट में जाकर केस करना, तो जब कोर्ट और थाना पर जब आप शिकायत करते हैं उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। तो ये कह देना कि क्या पंकज के ऊपर कार्रवाई हुआ, अन्य लोगों पर, भाई तो अन्य लोगों ने कोई क्या किसी ने फोटो नहीं लगाया है, क्या आज तक किसी ने कोई व्यक्ति ने किसी का फोटो लगा कर गाया है, और यदि गाया भी है तो क्या किसी ने कोई शिकायत की है, और यदि शिकायत की और तब यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करे तब आप कह सकते हैं, तब आप कह सकते हैं। यानी पंकज ने एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया फोटो लगाकर, तो उस पे कार्रवाई होना जायज है, लेकिन और जो अन्य लोगों ने किया वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं बल्कि जो है नाम पर दर्शाता है, तो वो एक इस पर हमको और आपको भी थोड़ा सा समझिए, हमारे कहने का मतलब सिनेमा में काल्पनिक नाम होता है, तो काल्पनिक जब नाम होगा तो उसके नाम के साथ किसी का ना किसी का नाम रखना, चाहे वो हीरो का भी नाम हो, वो विलेन का भी नाम रखा जाता है, एक्स वाई जेड करके थोड़ी गाएगा। आप गंगाजल पिक्चर आप देखेंगे तो साधु यादव का नाम लिया गया, तो भाई उस पर अब तो क्या उनको केस होना चाहिए क्या? तो जबकि बहुत डिफेमेशन हुआ एक व्यक्ति विशेष जो बहुत चर्चित थे बिहार के संदर्भ में दिखाया भी गया, तो हमारे कहने का मतलब केवल नाम से नहीं होता है, नाम एक जनरल व्यक्ति का होगा लेकिन जब उसके साथ यदि किसी स्पेसिफिकली एक व्यक्ति विशेष का फोटो का हो और उसके बाद अपराध की श्रेणी में रहे, अपराध की श्रेणी में, और अपराध यहीं तक नहीं है, आप गाना गाए वहां यदि ये शिकायत नहीं करते तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने यदि इस पर अपनी प्रतिक्रिया गहरी अपनी वो विरोध जताते हुए शिकायत दर्ज किया और शिकायत के आलोक में यदि पुलिस अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के पूछताछ करे तो कोई अपराध नहीं है, ये तो हमारा कानून है। तो यानी साफ साफ भाषा में ये समझिए, वकील साहब का कहना ये है कि आप निलुआ पिलुआ चाची की बाची पर कितना भी गाना गा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कोई जाकर जो है FIR नहीं करवाएगा, और जब तक आप किसी स्पेशल आदमी के मतलब पर्टिकुलर आदमी का फोटो लगाकर गाना नहीं गाएंगे तब तक कोई
कोई भी एक आदमी के ऊपर वो टारगेट नहीं होगा। नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम फोटो लगाकर आप यदि उसमें आपत्तिजनक शब्द लगाकर कि मैं खेसारी का दामाद हूँ, उसकी बच्ची का फोटो लगाते हैं, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इसके लिए उसको सजा होना जरूरी था। अब यही बात, यदि दूसरी बात आपने कहा कि यदि उस फोटो में यदि एक जनरल गाना गाता है कि रात भर तुमको नचाएंगे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, यदि उसके साथ उसका फोटो लगाता है तो अपराध की श्रेणी, अपराध की श्रेणी, और अगर नहीं लगाता तो अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि आप अश्लीलता शब्दों को परोसते हैं तो उसमें देखिए, आपको कोई भी आदमी यदि अश्लीलता को परोसता है तो उसके लिए फिल्टराइजेशन का जो एक स्कीम है, जैसे मैंने कहा कि जैसे पहले सिनेमा में आपको सेंसर बोर्ड से आपको लेना होता था, लेकिन अब तो यूट्यूब और एल्बम इस तरह की बातें हो नहीं रही है, तो उस पर भी सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए कि भाई इस तरह का होगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस पे यदि वो कार्रवाई हो रही तो इसमें छाती पीने कोई बहुत हीरोइक काम नहीं किया, और उसने जिस बेबाकी उसके ऊपर तो होना ही था, क्योंकि उसने किसी बहन बेटी जाति व्यक्ति विशेष किसी कलाकार को टारगेट किया है। देखिए, मूर्खता है, अज्ञानता है, और ये मूर्ख लोग ही इस तरह का हरकत कर बैठते हैं, और वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, लोकप्रियता भी नहीं, चर्चा में बने रहने के लिए। अभी आप एक कभी कभी लोगों को देखेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर देना, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर देना, तो दो चार दिन तो वो रहेंगे चर्चा में, लेकिन चर्चा होना ये मैटर नहीं करता है। चर्चा किस रूप में हो रही है ये एक मायने रखता है। क्या छवि बन रहा है ये मायने, बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा व्यक्ति विशेष का, अभी आप देखते होंगे कि एक लड़की है जो आपत्तिजनक कपड़ा पहन के हमेशा वो मिलियंस में व्यू लेके जाती है, बॉलीवुड की, बॉलीवुड की है, तो उनको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है। हम लोग भी शुरू से कह रहे थे कि पंकज सिंह ने अगर खेसारी की बहन बेटी का फोटो लगाकर उसका नाम लेकर गाना गाया है तो कहीं ना कहीं ये अपराध है, और खेसारी लाल यादव जी को FIR करवाना चाहिए, और उन्होंने करवाया और उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप FIR नहीं करवाएंगे, आप सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी करेंगे तो अपराधियों के मंसूबे तो भाई ऊपर रहेंगे और आए दिन अपराध करते रहेंगे। तो जरूरी यह है कि सोशल मीडिया पर आने से पहले जो है अपराधियों को चिन्हित किया जाए, और अगर आपकी बहन बेटी और व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसने गाना गाया है तो FIR करवाया जाए। FIR हुई भी, आज जो है पंकज सिंह के घर शायद पुलिस भी पहुंची थी, और जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तार और इसके बाद सरेंडर की भी बातें आ रही हैं। तो क्या लगता है, पंकज सरेंडर करेगा या गिरफ्तार करेगी पुलिस? देखिए, वो पुलिस अपनी तत्परता दिखाएगी तो गिरफ्तार होगा, पंकज में समझदारी होगी तो वो सरेंडर करेगा, अब दोनों के बीच में चलेगा मामला। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जिस तरीके का कोई भी इंसान से इसको आप सबक लेने की जरूरत है कि आप लोगों का मुहिम रंग ला रहा है, ये सबक सच में लेने की जरूरत है, और आप लोगों का ही मुहिम रंग ला रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से चलाया था और उसमें अपील किया था कि अभी यदि खेसारी लाल जी भी चुप रह जाते हैं तो शायद ये नहीं होता, तो कोई दूसरा समाज में सबक नहीं। अच्छा, पंकज से सर बात हुई, मेरे पास फोन आया था, तो उसने कहा कि मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन और इससे लोग सबक लें कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन और किसी की बहन बेटी के ऊपर वो लोग गाना ना गाएं, नहीं तो वो भी गिरफ्तार होंगे। ये कैसी अपील है, मैं यही नहीं समझ रहा हूं, क्यों नॉनसेंस वाली बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि काल्पनिक नाम यदि किसी का रखा जा रहा है, मुन्नी बदनाम हुई तो क्या मुन्नी के नाम पर गाना नहीं होना, शीला जवान हुई क्या इस नाम पर, मुन्नी के नाम पर ये लोग चाहते हैं कि XYZ बदनाम हुई। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मुन्नी बदनाम हुई और शीला जवान हुई, तो ये जो गाना है तो भाई फिर काल्पनिक चीज का उसका राइटिंग लिखने का तो वो कहानी ही खत्म हो जाएगी, काल्पनिक पात्र है। और उस पर गाना से पहले भी लिख दिया जाता है कि नाम पात्र और घटनाएं जो है ये काल्पनिक है, किसी व्यक्ति विशेष को इससे ठेस नहीं पहुंचनी। आप चर्चा में वो कहता है कि मैं मजाक में गा दिया, मजाक मजाक में आपने फोटो लगा दिया और उसके बाद आपने जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की हो, तो लोग अब यहाँ के सभी वर्ग के लोग बहुत समझदार हैं, चाहे वो जाति जादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, कोई भी हो, अब आप लोगों के लड़ाने से पहले राजनीति के वजह से जातियों का इस्तेमाल किया गया, अब वो अपने जाति के लोगों का ही सिंपैथी लेने के लिए जाति का नाम का वो करते, जबकि जाति से उसका कोई ये नहीं है। आपने किसी भी जाति का यदि चाहे वो यादव हो, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि इस तरीके के कुकृत में यदि आप अपने जाति का नाम लेते हैं तो आप अपने जाति का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और जाति आपके साथ इस तरीके में कभी समर्थन नहीं दे सकती, ये मेरा मानना है। इसीलिए वो ये जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, होनी और कठोर से कठोर और दंड इससे और लोगों को सीखे, जो लोग पर्टिकुलर आदमी व्यक्ति विशेष और इसके बाद नाम लेकर फोटो लगाकर गाना गाते हैं, तो आपकी भी खैर नहीं है। अगर आपने फोटो लगाकर किसी भी बहन बेटी के ऊपर गाना गाया तो आपकी भी खैर नहीं है, यही हाल होगा जो पंकज का आज हो रहा है। और सच बात तो यही है कि खेसारी जी ने बहुत अच्छा किया है और ये जरूरी था, क्योंकि जब FIR नहीं होती तो पंकज जैसे और सारे कलाकार पैदा होते और किसी का भी नाम और
और इसके बाद मुखौटा रखकर जो है गाना गा देते, हिट हो जाते और कहीं ना कहीं चर्चा में रहने के लिए वो तमाम प्रकार की अश्लीलता जो है पहुंचाते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे और आने वाले सिंगर सबक लेंगे? क्या पंकज के जेल जाने के बाद, पंकज के FIR होने के बाद जो बहुत सारे सिंगर व्यक्ति विशेष जाति धर्म मजहब के ऊपर गाना गाते हैं वो समझेंगे? ये सवाल है और इस सवाल को समझने के लिए आपको बहुत अंदर जाना होगा। लेकिन सर थे हमारे साथ जिन्होंने इन तमाम बातों को बड़ी बारीकी से के साथ रखा कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर गाना गाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मुन्नी है तो बहुत मुन्नी है तो मुन्नी इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन मुन्नी का नाम के साथ फोटो लगाकर गाएंगे तो वो मुन्नी क्लेम कर सकते हो क्योंकि उसका फोटो है। तो कहीं ना कहीं खेसारी की बेटी के ऊपर पंकज सिंह ने यही किया और यही कारण है कि उनको आज उनके घर पर पुलिस पहुंची है। बाकी आप लोग सुधरिए और इस सुधार में आप लोग भी अपनी भूमिका निभाइए। सर आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।